राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, आंसर आपको बताना होगा। प्रश्न ये है कि ICMR ने भोज्य समूह का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने भोज्य समूह का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है। ऑप्शन पहला है आपके पास 7, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और चौथा है 6। जवाब आप जरूर देंगे, विश्वास है मुझे। कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाएंगे, बोलो। ICMR ने भोज्य समूह का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ, 5 वर्गों में किया है। कैसे याद रखोगी, तरीका बता देती हूँ। हम खाने में क्या खाते हैं, दोपहर का भोजन देख लो सबके घरों में, अमीर हो गरीब हो। पहले हमारे थाली में क्या रहता है, रोटी। रोटी क्या है, अनाज। फिर रोटी के साथ क्या रहता है, दाल। चावल या दाल खाते हैं, चावल, दाल, सब्जी, छाछ। इसके बाद किसमें पकता है, ऐसे याद नहीं रख लेंगे। 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला अनाज, हम रोटी दाल चावल खाते हैं, तो पहला रोटी। दूसरा है दाल। तीसरा है दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ, छाछ खा लेते हैं, दही खा लेते हैं, थोड़ा खीर मिल जाता है। चौथा है फल और सब्जियां, दाल चावल सब्जी तो हम खाते ही खाते हैं, चौथा हो गया ना। और पांचवा क्या हो गया, वसा और शक्कर। सब्जी किसे पकेगा, तेल में। दाल किस में छोका जाएगा, तेल या घी से। चाय किसे बनेगी, शक्कर में। तो 5 कैसे याद रखोगे, 5। ICMR ने भोज्य समूह का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है, 5 वर्गों में। चलो वीडियो को देखते।